वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 13. चैप्टर 13 अपन डिस्कस करेंगे यूज ऑफ द. यूज ऑफ द लास्ट वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस किए थे. आज हम चैप्टर नंबर 13 है आपका, इसमें पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि किसके साथ हमें ए का यूज करना है, एन का यूज करना है और द का यूज करना है. आपको कुछ ये दे रखे हैं, देखो ये हमें पता है कि कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में. टोटल 26 लेटर्स होते हैं. 26 लेटर्स में हमें कॉन्सोनेंट होते हैं 21 एंड 5 होते हैं हमारे वॉवल्स. ओके ना. सो फर्स्ट देखते हैं वॉवल्स के साथ हमें पता है ए का यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट्स के साथ वॉवल्स के साथ एन का यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज किया जाता है. तो हम देखेंगे फर्स्ट, रिमेंबर है आपका, याद रखने वाली चीजें हैं ये. ए तथा एन का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन से पहले होता है. सिंगुलर नाउन मतलब एकवचन संज्ञा. सिंगुलर नाउन मतलब क्या होती है? एकवचन संज्ञा से पहले होता है. किसका प्रयोग किया जाता है? ए और एन का. किंतु द का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नाउन से पहले हो सकता है. द का प्रयोग सिंगुलर से भी हो सकता है और प्लूरल नाउन नाउन्स में भी हो सकता है. सिंगुलर मतलब एकवचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन. दोनों नाउन से पहले हो सकता है. सेकंड, जब किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग पहली बार करते हैं तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है. जब हम किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग फर्स्ट टाइम करते हैं तो ए और एन का प्रयोग करते हैं. जब उसी सिंगुलर नाउन का पिछले संदर्भ में दोबारा प्रयोग किया जाता है, उसका पिछले संदर्भ में वापस प्रयोग कर रहे हैं हम, तो किसका यूज करेंगे? द का प्रयोग किया जाता है. किसका यूज करेंगे हम? द का. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल. दिस इज एन एप्पल. फर्स्ट टाइम हमने पहले देखा कि सिंगुलर के साथ हमें ए और एन का यूज करना है, लेकिन अगर हम दोबारा वापस यूज कर रहे हैं सेंटेंस, तो आई ईट द एप्पल. आई ईट द एप्पल. ओके, तो दोबारा अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम द का यूज करेंगे. अब पिक्चर्स में देखते हैं हम, पिक्चर्स में हमें क्या दे रखा है. पिक्चर है हमारी, फर्स्ट पिक्चर इज अ बैट. अगर हम पहले फर्स्ट हम लिखते हैं एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि बी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ए का यूज करेंगे. अ बैट एक है, लेकिन द बैट का भी हम यूज कर सकते हैं. ज्यादा है और अगर हमें दोबारा बैट मतलब ज्यादा हो गए और हमें द किसका यूज करना है? ए और एन का तो यूज होगा नहीं, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा. तो हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. द बैट्स मतलब ज्यादा बल्ले. बैट मतलब क्या होता है? बल्ला, जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज अ पैन, यानी एक पैन है. तो द एक के लिए हमने यूज किया, अ का यूज किया. अ पैन. नेक्स्ट डैश पैन. अगर हम ये दे रखा है हमको, तो हम द पैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा अगर पूछ रहा है वो, तो हम किसका यूज करेंगे? द पैंस. हमें ए और एन का यूज नहीं करना है. किसका यूज करना है? द का यूज करना है. द पैंस. नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है हमको डॉग की, तो डॉग एक है, तो अ डॉग. डी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है. अगर हमको द में करना है तो द डॉग भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर ज्यादा डॉग है, एक से ज्यादा है, तो हम ए और एन के बजाय हम किसका यूज करेंगे? द डॉग्स का यूज करेंगे. द का और डॉग्स मतलब ज्यादा प्यूरल हो गए, तो इसलिए डॉग्स हो गया वो, ज्यादा कुत्ते. नेक्स्ट डैश एन आउल. एन का यूज क्यों किया है? क्योंकि वॉवेल है ओ, तो इसलिए हमने एन का यूज किया है. तो हम द का भी यूज कर सकते हैं, द आउल. बट अगर आउल ज्यादा है तो द आउल्स क्या हो जाएगा? द आउल. ज्यादा उल्लू के लिए हम द का यूज करेंगे, प्यूरल हो गया ना, क्योंकि इसलिए. नेक्स्ट एन एप्पल. एप्पल मतलब क्या हो गया हमारा? ए क्या हो गया? वॉवेल, तो इसलिए हमने एन का यूज किया है. दो एप्पल, द मतलब एक एप्पल है, तो हम द का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा एप्पल्स हैं तो हम द एप्पल्स का ही यूज करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए और एन का यूज हमें तब करना है जब सिंगुलर हो, और द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है. तो हमें पता चल गया है कि हमें द का यूज कहाँ करना है, ए का यूज कहाँ करना है और एन का यूज कहाँ करना है. अल्फाबेट्स हम पढ़ चुके हैं, ए बी सी डी, ये हमारे सारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं. टोटल कितने होते हैं ये?
26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं ये टोटल? 26। और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इसमें, और वॉवेल होते हैं इसके अंदर 5। कौन कौन से होते हैं वॉवेल? ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। तो हमने चैप्टर में देखा कि यूज ऑफ द पिक्चर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया आपकी बुक में, पेज नंबर 24 पे आप देखेंगे अपनी बुक में। तो इसे आपको क्या करना है? रीड करना है, चैप्टर को रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसे आप अपनी किस में करेंगे? रीडर में करेंगे, क्योंकि आपके ग्रामर और रीडर में दोनों में क्या है? सेम है। अपन पहले भी इसका रिविजन कर चुके हैं, ए एंड द का यूज करा था ना हमने, वैसे ही सेम आपके चैप्टर दे रखा है, यूज ऑफ द आपकी ग्रामर में भी दे रखा है। तो आपको वहां से भी अगर आप उसे फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हैं एक्सरसाइज को, बट आपको इसको ढंग से क्या करना है? रीड करना है। चैप्टर को क्या करेंगे? 13 चैप्टर को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।